हम आज अपने जोन की छुट्टी में कोचिंग के लिए घर वापस जा रहे थे, तभी अभी गेट पर नहीं पहुंचे थे, तभी बाहर से कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमें गेट से अंदर से घसीटते हुए बाहर ले गए और चाकू जो है चैन लाठी डंडा से लोग एकदम दुरुस्त हैं और हम लोग मामला पूछते हैं समझ नहीं पाए। हमारे सभी साथियों को जो है बेरहमी से मारे, हम लोग क्यों मारे कौन लेते हैं वो लोग टीचरों द्वारा मतलब दिशा टीचरों के दिशा निर्देश पे वो लोग क्योंकि मुसलमान थे वो लोग क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग भारत माता की जय का मतलब मीडिया में अपना दे दिए थे बयान कि हम लोग भारत माता की जय के लिए मीडिया में बयान दे दिए थे लोग कि हमारे स्कूल में नहीं होता है, उसी को लेकर मामला सब आगे बढ़ा है। कौन स्कूल जी एम इंटर कॉलेज बिल्फा रोड बनिया और उसके प्रिंसिपल है माजिद नासिर, हम लोग उन्होंने से बात किया तो जो है अपना अंदर चले गए और उनका सिस्टम बंद हो गया और उधर से आवाज़ आई कि मार दो सबको। टीचर वहाँ थे खड़े साजिद अंसारी, उनसे भी हम लोग बात किए तो वो भी पल्ला झाड़ते हुए कौन है एक लोग को पकड़ के हम लोग दिए वो अंदर ले गए, उसके बाद उसको भी बाहर छोड़ देंगे और हमारे एक साथी को जबरदस्ती पकड़ के अंदर, देखिए यहाँ इतना चोट लगा है उसके बावजूद भी अंदर बैठाते हुए, देखिए यहाँ पंजे से पूरा चोट किया हुआ है और हम लोग को जो मारा गया है वो अलग ही सपोर्ट वोट सब बोल भी नहीं पा रहे हम सही से, ये हाल है। आप लोग अरे हम लोग वही तुरंत हम लोग 100 नंबर पे कॉल किए, 100 नंबर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो स्थानीय जो वहाँ के हैं एक लोगों को फ़ोन किए एसओ को एसओ साहब आए और उसके बाद उस मामले के आए मेडिकल नहीं हुआ हम लोग का, हम लोग 4-5 बजे तक बहुत परेशान थे थाने में, बहुत परेशान थे। तहरीर दे दी गई है, उसका लिपि है हमारे पास, आप लिपि है उसकी क्या इस समय जो है कि मेडिकल हो रहा है जी, अब मेडिकल हो रहा है मेडिकल सरकारी अस्पताल में है CSHG। अच्छा क्या हो रहा है वहाँ मेडिकल हो गया जी, ये फरियाद के प्रति है इसी हम लोग मुकदमा कायम कर रहे हैं और जो भी इसके विरुद्ध हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या आप लोग इसके आगे भी कुछ कार्रवाई करेंगे का, अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? संविधान को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने साथी भाइयों और बहनों से अपील करेंगे कि वो हमारा साथ दें क्योंकि ये अन्याय हो रहा है भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने पर जब हमें प्रताड़ित किया जाए तो आप सबका दायित्व बनता है कि आप आए और इसके खिलाफ लड़ें।